फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में एपरेटस यूज्ड होते हैं वोल्टमीटर, एमीटर, की, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बैटरी। यह बैटरी है, एलिमिनेटर है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये डीसी करंट हमको यहाँ पर चाहिए। तो डायरेक्ट करंट के लिए यहाँ पे हम इसको एलिमिनेटर कहते हैं। इसका कितना वोल्टेज चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वोल्ट तक हम इस एलिमिनेटर से ले सकते हैं। हमने इसको पहले 2 वोल्ट पे सेट किया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमको ओम्स लॉ का जो डायग्राम बनता है, उस डायग्राम में सबसे फर्स्ट हम लेते हैं बैटरी, और बैटरी से हम जोड़ देते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट से हम जोड़ देते हैं एमीटर, एमीटर से हम जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस वायर, एंड रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल में हम अटैच कर देते हैं वोल्टमीटर। सेल के पॉजिटिव से वोल्टमीटर का पॉजिटिव, सेल के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव, ये इस तरह से अटैच किया जाता है। ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया बैटरी, तो दिस इज़ बैटरी। इस बैटरी का प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट को अपन ने जोड़ दिया एमीटर से। अब देखिए, प्लस एमीटर का प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, एंड सेकेंड पॉइंट चला गया रिहोस्टेट, ये कहलाता है रिहोस्टेट, और ये है एमीटर। यहाँ पर देखिए, ये ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्केल बना हुआ है 0 to 3, मींस इससे हम मैक्सिमम 3 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। और इस 3 एम्पियर को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर। 0 to 0.5 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये 3 एम्पियर को 60 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। इससे हम लीस्ट काउंट निकालेंगे अभी। तो ये है एमीटर, इससे हमको मिलती है करंट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसके बाद ये है रिहोस्टेट, इस रिहोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मींस चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्लाइडर होता है, और इस स्लाइडर को हम कम ज़्यादा करेंगे तो आप देखिए यहाँ एमीटर में रीडिंग चेंज हो रही है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, स्लाइडर हम चेंज कर रहे हैं, तो ये एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो रही है। तो ये होता है रिहोस्टेट। इसके अंदर एक ये प्लग पॉइंट है, एक ये कनेक्शन का पॉइंट है, एक ये कनेक्शन का पॉइंट है। तो इसमें एक वायर जो है इसकी एमीटर की, वो इसमें जाएगी, और दूसरा पॉइंट जो है वो वोल्ट मीटर में जाएगा। ये है वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पर वी लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। इसमें भी 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2, 2.5, 3 वोल्ट तक है। इसमें भी 3 वोल्ट को 60 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। इसकी इससे हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब बचा रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ओम लिखा हुआ, 1 ओम का रेसिस्टेंस है ये। तो ये रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस है आर। इस रेसिस्टेंस को वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में अटैच किया है। ये देखिए आप, पैरेलल में अटैच किया गया। पैरेलल में अटैच मतलब इसका प्लस पॉइंट वोल्ट मीटर का प्लस पॉइंट एक इस पॉइंट से जुड़ेगा, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से एक पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये पैरेलल कहलाएगा। बाकी सब सीरीज में अटैच हैं। और वोल्ट मीटर का सेकेंड जो पॉइंट है वो चला जाएगा इसके अंदर यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये सब सीरीज में अटैच किए गए हैं। तो ये पहले कनेक्शन कर लिया, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये ओम्स लॉ का कनेक्शन एज ए डायग्राम अपन ने यहाँ पर कर लिया है। ये पोजीशन चेंज हो सकती है, एमीटर को हम यहाँ लगा सकते हैं, रिहोस्टेट को यहाँ लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बट सीरीज में लगाना है, और रेजिस्टेंस को वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में लगाना है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद सब इसको प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालने के लिए, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न। यहाँ अपने को पता है
जैसे कि पहले आपने देखा कि 60 डिवीज़न जो है वो 3 वोल्ट के इक्वल है वोल्ट मीटर में, एंड एमीटर में भी 60 डिवीज़न 3 एम्पियर के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 डिवीज़न की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिवीज़न इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 60 वोल्ट मीन्स 1/20 वोल्ट मीन्स 0.5 वोल्ट। सिमिलरली 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 3/60 डिवीज़न एम्पियर मीन्स 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा 0.5 वोल्ट एंड एमीटर की का लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लिया, अब इसके बाद ओम्स लॉ को का फार्मूला हमको पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द सर्किट। सो V इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I। इस ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए यदि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, इसका मतलब है कि V बाई I की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम V की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे जो कि R होगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। यदि ऐसा आता है इसका मतलब है ओम्स लॉ का वेरीफिकेशन हो गया है। सेकेंड तरीका है ग्राफ मेथड से। तो यदि हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ यदि हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो भी हम कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हो सकता है। तो हमको सबसे पहले V और I की वैल्यूज़ चाहिए। V और I की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रिहोस्टेट जो है उसको हम ज़ीरो पोजिशन पर ले आएंगे, मिनिमम करेंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इस स्लाइडर को बिल्कुल इसके पास में ले आए, मतलब ज़ीरो पोजीशन पे ले आए। अब यहाँ आप देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कितने डिवीज़न आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 10 डिवीज़न, बिल्कुल सीधे देखेंगे तो 9 डिवीज़न्स। तो यहाँ पे 9 डिवीज़न किसके अंदर आ रहा है, एमीटर रीडिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एमीटर रीडिंग में 9 डिवीज़न। आप वोल्ट मीटर रीडिंग में देखें तो वोल्ट मीटर रीडिंग में आप देखेंगे ये वोल्ट मीटर रीडिंग में आ रहा है 10, 11, 12। तो 0.5 तक 10 डिवीज़न है और 2 डिवीज़न और हो गए 11, 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग में 12 डिवीज़न। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे। ये अब यहाँ पर अपन ने स्लाइडर को आगे किया तो एमीटर की रीडिंग चेंज हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कितने डिवीज़न आ गए, ये 10 है और ये कितने हैं 5, तो वो क्या 15 डिवीज़न। तो एमीटर रीडिंग में अपन लिख सकते हैं 15 डिवीज़न। वोल्ट मीटर रीडिंग में देखें कितना आ रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग में आ रहा है, कनेक्शन लूज है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गए 10, 15, 16, 17, 18 डिवीज़न। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18 डिवीज़न। थर्ड अगेन हमको रीडिंग निकालना है, फिर हमने स्लाइडर को आगे किया, ये स्लाइडर को चेंज किया, यहाँ देखिए ये आ गया 20 डिवीज़न, 10 और 10 20 डिवीज़न। तो यहाँ आपने लिख दिया 20 डिवीज़न एमीटर रीडिंग में। यहाँ देखें कितना आ रहा है, यहाँ देखेंगे अपन ये हो गया 10, 20, 22। तो यहाँ पर आ जाएंगे 22 डिवीज़न। वैसे अपन ने इसको आगे किया, फोर्थ रीडिंग ले लेते हैं, ये देखिए एमीटर रीडिंग 25 डिवीज़न, एमीटर रीडिंग 25 डिवीज़न। एंड वोल्ट मीटर रीडिंग आप देखेंगे यहाँ पे तो 10, 20, 28, तो यहाँ पे आ गया 27, 28 डिवीज़न।
इस तरह से हम यहाँ पे डिवीज़न निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वन डिवीज़न की वैल्यू वोल्ट मीटर में 0.5 वोल्ट है तो 12 डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 0.5 वोल्ट, यहाँ हो गया 0.60 वोल्ट। यहाँ पे 9 डिवीज़न है तो 1 एमीटर के 1 डिवीज़न की वैल्यू मीन्स लीस्ट काउंट कितना है, 0.5 एम्पियर, यहाँ हो जाएगा 9 × 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.45 एम्पियर। वैसे ही 18 डिवीज़न, 18 × 0.5 मीन्स क्या करना है, जो डिवीज़न आएंगे उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते जाना है। 22 डिवीज़न आए उसमें भी लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 डिवीज़न आए उसमें भी हम लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे यहाँ पे भी 15 में 0.5 एम्पियर का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 0.5 एम्पियर का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 0.5 एम्पियर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा, हाँ है ना। अब ये इस तरह से कर लेंगे, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी की वैल्यू कितनी है 0.6 डिवाइडेड बाय, आई की वैल्यू कितनी है 0.45। इसको सॉल्व करेंगे फोर बाई थ्री मीन्स 1 पॉइंट थ्री ओम, तो इसकी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू 1.3 ओम। इसको भी अपन आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1.3 1.2 ओम के आसपास आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो सभी की लगभग एक सी आएगी। यदि इसकी वैल्यू एक सी आ रही है इसका मतलब ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। अब हमको यदि ग्राफ के थ्रू ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में वी और वाई एक्सिस में ले लेंगे हम आई। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी ये 0 है, ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे स्केल 10-10 डिवीज़न के स्केल ले लेंगे। यहाँ पे भी 10-10 डिवीज़न होते हैं ग्राफ पेपर में, तो यहाँ पे भी 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ये किस में आएगा एम्पियर में, ये किस में होगा वोल्ट में। अब यहाँ पे जैसे एक वैल्यू हमको मिली है 0.60 तो 0.6 अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितनी आ रही है 0.45, इसकी वैल्यू यहाँ आएगी मीन्स यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे हमको कई पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक रीडिंग से एक पॉइंट, दूसरी रीडिंग से दूसरा पॉइंट, तीसरी रीडिंग से तीसरा पॉइंट, चौथी रीडिंग से चौथा पॉइंट। अब फिर इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए तुम लोग को एक आइडिया देने के लिए मैंने एक रीडिंग का कैलकुलेशन किया है। ओके, क्लियर हो गया होगा तुम लोग।